अलगाए करबला के चहलम के जलूसों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। कराची में एमएजना रोड को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। जुलूस के रास्तों पर आने वाली दुकानें भी सील कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। सिंध भर में तालीमी इदारे बंद हैं। लाहौर में मरकजी जुलूस बरामद हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मोबाइल फोन सर्विस मॉडल मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। सिंध में आज नया मॉनसून सिस्टम दस्तक देगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते तक गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बार में कमी। एक दिन में 41 मरीज इंतकाल कर गए। मजमू अमवा 27,638 हो गई। 1,400 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेज की शरह 3.17% रही। कोई ट्रायल था ही नहीं तो बरियत कैसी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज की बरियत की खबर गलत और मिस रिपोर्टिंग करार दे दी। ट्विटर पैगाम में लिखा, एनसीए तहकीकात नैब या असासा रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर नहीं थी। बरतानवी हुकाम ने कुछ फंड्स को मशकूक करार देकर तहकीकात शुरू की थी। एनसीए ने खुद तहकीकात रोक कर फंड्स रिलीज करने पर आमादगी जाहिर की। बरतानवी अदालत के फैसले पर सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने शुक्राने का ट्वीट कर दिया। कहते हैं, बरतानवी अदालत का फैसला सिर्फ उनके या नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के बारे में भी है। यकीनन सच मनगढ़ंत कहानियों और किरदार कुशी से ज़्यादा ताकत रखता है। और आजम खान नाकाम, खुशदिल शाह फ्लॉप, सुहेब मकसूद भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल पावर हिटर्स नेशनल T20 में नाकाम। वज़ीर आज़म वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन से नाखुश। चेयरमैन PCB को स्क्वाड में तब्दीली की हिदायत। चेयरमैन ने T20 कप का पहला मरहला मुकम्मल होने तक वक्त मांग लिया। रमीज राजा इवेंट में पिचेस के मैार और टीमों के तवाज़ुन से गैर मुतमईन। दूसरे मरहले के लिए बैटिंग पिचेस तैयार करने की हिदायत कर दी।